तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक मोबाइल है और इसमें देख सकते हैं आप पावर की क्या प्रॉब्लम है, जिसका पावर बटन है ऑन ऑफ स्विच वो ख़राब हो गया है, टूट गया है और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, 4 लाख पर मोबाइल ऑन हो जाएगी, मोबाइल ऑन है पर ये इसका जो पावर ऑन ऑफ है वो प्रॉब्लम है। वीवो का सेट है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने मोबाइल खोले तो देखिए इसका पत्ता जो है कटा हुआ है। वो कस्टमर बोल रहा है हम जब बनवा रहे तब इसका पट्टा कट जा रहा है, इसका कोई उपाय लगाओ। तो हमने कुछ सोचा, कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट किया, आपको लास्ट में दिखाऊंगा आप कैसे करना है एक्सपेरिमेंट, आपको इसे बढ़िया से सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं, और देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है इसको पत्ता का। तो इसमें हम जम्पर मार कर इसमें एक वायर निकालेंगे जिसके हम एक स्विच लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मल्टीमीटर 20 वोल्ट पर रखना है और आपको इस पर देखना है जो जैक कनेक्टर है, कनेक्टर है इस पर आपको 1.5 से ऊपर आना चाहिए वोल्टेज। तो समझ लीजिए आप वही ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट है। तो देखिए, हम जिस जैक हम लगाए उस जैक पर हमने चेक किया तो मेरा 2 नंबर पिन पर हमको मिला वोल्टेज 1.62 मिला। तो इसका मतलब जो मेरा 1.62 मेरा पिन नंबर 2 है तो वही मेरा जो है वो ऑन उससे होगा। तो इस पर हम इस पर शॉर्ट कर लेते हैं ग्राउंड से और उससे शॉर्ट करेंगे तो मेरा मोबाइल ऑन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने उसको शॉर्ट किया तो मेरा मोबाइल ऑन हो जा रहा है, ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स, तो ऑन तो हो गया लेकिन इसका जो अभी स्विच का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है। तो हम एक स्विच लगाएंगे जो सैमसंग का होम बटन होता है उसी को हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, जो दो पिन है, पिन नंबर 2 है जैक का, उस पर हम एक जम्पर लेंगे, जम्पर निकालेंगे और इसमें एक स्विच में लगाएंगे। फिर उस स्विच के 2 पॉइंट होता है जिसमें हम एक जैक से कनेक्ट कर देंगे और एक ग्राउंड कर देंगे तो मेरा जो है स्विच वर्क करने लगेगा। तो हम सब पहले इसको निकाल लेते हैं जो उसका पत्ता लगा हुआ है जैक, देख सकते हैं जैक। तो फ्रेंड्स, इस पे पत्ता पर मारना थोड़ा मुश्किल है, इसको पत्ता का स्क्रेच करके मारना मुश्किल है, इसलिए हमने शॉर्ट उपाय हमने किया। देख सकते हैं बहुत पतला है इसका, इस पर हम जम्पर नहीं मार सकते, बहुत ही पतला है। इसको हम अगर स्क्रेच करेंगे तो ये पत्ता कट जाएगा। तो हमको इस पर नहीं करना है, हमको क्या करना है, जैक पर मारना है। आप या इस जैक पर मारिए, आपका जो बॉटम ये जैक लगा है इस पर मारिए, बॉटम वाला जैक पर मारिए, या आप उसमें मार सकते हैं पीसी में बोर्ड में। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसी जैक पर मारेंगे जम्पर। तो देखिए, ये जो पीछे वाला इसका है, इसका पीछे जैक है जो फर्स्ट है उसमें, तो इसी पर हम 2 नंबर पिन पर जैक मारेंगे जम्पर। आपको देख लेना है कितने पिन पर टच हो रहा है, उसी पर आपको जम्पर मारना है। तो फ्रेंड्स, मेरा 2 नंबर मिल रहा है, हमने वोल्टेज चेक किया 2 नंबर बता रहा है, फिर उसी से हम ऑन किए तो ऑन हो गया मेरा मोबाइल। तो हम क्या करेंगे, इसी 2 पिन नंबर 2 पर हम जम्पर मार देंगे और जो मेरा है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये फ्रेंड देखिए, वो जैक है और ये ऑन ऑफ का ये जैक है, आप देख सकते हैं बेल्ट, और यही हम होम बटन है जो सैमसंग होम बटन है, इसी को हम लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपको कैसे इसको सेट करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अब क्या करना है, आपको मालूम, आपको रिसर्च करना है कौन सा पॉइंट जा रहा है जैक पे जिससे डिस्प्ले मेरा ऑन होगा, मोबाइल ऑन होगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें टेस्ट करना होगा, इसका जो लाइनिंग है, इसका सर्किट आपको थोड़ा सा मालूम करना पड़ेगा, मल्टीमीटर से बीप कर पर आपको थोड़ा टेस्टिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मालूम जो हो जाए, आपके पास 100% आपको हो जाए हाँ यही इसका है, जिसके बाद जो जब निक्राम से टच होगा तो खुले मोबाइल ऑन हो जाएगा, आपका 100% वर्क हो जाएगा, तभी आपको मारना जम्पर। देखिए फ्रेंड्स, हमने जैक पर जम्पर मार दिया और आपको जम्पर क्लीन मारना है, ना कि एक दूसरे से शॉर्ट नहीं करना है। हमने देखिए पिन नंबर 2 पर जम्पर मार दिया, वही एकदम क्लीन, आपको भी एक दूसरे से टच नहीं है और सबको ध्यान देना है शॉर्ट ना हो, और पूरा सर्च करने के बाद ही आपको जम्पर मारना है, यही पॉइंट है जो जिस पे। तो आपको टेस्टिंग करना है, पूरा आपको रिसर्च करना है लाइनिंग को, उसके बाद आपको जम्पर मारना है। फ्रेंड्स, हमने जम्पर मार दिए और ये जो जम्पर मारे ये जैक को इसमें हम फंसा देते हैं, जो मेरा ये बॉटम जैक है इसको हम इसमें इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद हमको देखते हैं ये जो मेरा है जम्पर हमने सही मारा है कि नहीं, जो मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं। फिर अगर मोबाइल अगर जम्पर सही मारा होगा, मारे होंगे हम, तो हम ग्राउंड से इसको टच करेंगे, जो जम्पर हम निकालें तो मेरा ऑन हो जाएगा। सब हम चेक कर लें ग्राउंड से इसको टच कर देखते हैं, मेरा ऑन हो रहा है मोबाइल, इसलिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रेफरेंस हमने मारे तो ये मेरा जो जम्पर मेरा 100% सही है, वर्क है, जो जिससे मेरा ऑन हो गया मोबाइल। आपको समझने साथ आगे होगा, हम थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिए इसलिए थोड़ा फास्ट हम बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बना है, इसे हमने शॉर्ट करके बनाया है। बहुत हमको टाइम लगा रिसर्च करने में, सर्च करने में कौन सा इसका जो है जम्पर मारेंगे तो काम करेगा, तो हम लोग टाइम लगा, आपको भी टाइम लगेगा, आपको रिसर्च करना है, सर्च करना है उसको मल्टीमीटर से। चलिए, तो मेरा जो है वर्क कर रहा है, उसके बाद आप खुल जाने पर आपको देखेंगे ऑन ऑफ कर काम कर रहे नहीं। तो हमने क्या किया, जम्पर को हमने एक चिमटा से हाथा से पकड़ लिया है, उसके बाद हम ग्राउंड में कहीं भी ग्राउंड में टच करेंगे, हम टच कर देखते हैं काम कर रहे नहीं। देखिए काम कर रहा है, 100% काम कर रहे हैं। देखिए जितने बार हम टच करें उतने बार मेरा ऑन ऑफ मोबाइल होगा। देखिए ऑन हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरा जो है मोबाइल ऑन ऑफ हो रहा है। देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, जितने बार टच करें उतने बार ऑन ऑफ रहा है। तो मेरा 100% ये मेरा सोल्यूशन हो गया है। अब क्या करेंगे, हम
तो कस्टमर बोला इसको थोड़ा उपाय लाने के लिए, तो इसको हम उपाय लाएंगे, हम इसको फिंगरप्रिंट जैसा बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको फिंगरप्रिंट जैसा बनाएंगे हमको। तो हम क्या करेंगे, जिस एक हम दो पॉइंट है मेरा, ये जो है बटन है, होम बटन है, ये भी स्विचिंग काम करते हैं, होम बटन में इसमें दो पॉइंट है, तो एक को हम जंप मार ग्राउंड कर देंगे और जो हम एक निकाले हैं जैक से उसमें हम एक मार देंगे, तो मेरा जो स्विच वर्क करने लगेगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा वीडियो में थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने क्या किया, एक को ग्राउंड कर दिए, देखिए सॉरी एक ग्राउंड भी नहीं किए, जो हमने जैक से निकाले इसमें एक पॉइंट पर मार दिए हैं, और जो मेरा दूसरा जो जंपर है उसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। देखिए हमने जो जंपर जो हमने जैक से निकाले इसको हम मार दिए इस पर, और ये जो मेरा एक्स्ट्रा है इसको हम कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं, आपको कहीं भी ग्राउंड कर लेना है, क्योंकि आपको ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, और आपको जो 1.5 वोल्टेज जहाँ पर जैक पर मिलेगा, जहाँ पर आपको स्विच लगा होगा या वॉल्यूम स्विच ऑफ डाउन या आपका जो है ऑन ऑफ स्विच, वहाँ पर आपको मिल जाएगा 1.7 बैटरी लगाने पर आपको चेक कीजिएगा वोल्टेज, जहाँ पर 1.5 को पड़ा है समझ लीजिए आपको वही जो स्विचिंग काम करेगा, वही आपका स्विच है। चलो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसको हम थोड़ा ग्राउंड कहीं भी कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसको स्केच कर देते हैं, कि जब तक स्केच नहीं कीजिएगा तब प्लेट पर नहीं पकड़ता है सोल्डिंग, तो हम ये पेस्ट लगाते हैं, इसके बाद हमको थोड़ा सा इसको रिसोल्डिंग कर फिर हम इसको बढ़िया से सोल्डिंग कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे आपको टेस्टिंग करना है ऑन ऑफ का, अगर आपका पत्ता कट गया हो, अगर पत्ता सोल्डिंग कर लेना हो, तो आपको ऐसे जैक से निकालेंगे जंपर, आप सोल्डिंग आप स्विच लगा सकते हैं। फ्रेंड थोड़ा बोलने में मुश्किल हो रही है क्योंकि वीडियो थोड़ा फास्ट है और जो हम साइड से बाहर डाल रहे हैं इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो फ्रेंड्स, जो मेरा है वर्क करेक्ट नहीं है, उसको थोड़ा ऑन ऑफ कर देखते हैं, मेरा कंप्लीट हो गया वर्क, और इसको हम ऑन ऑफ करेंगे, देखते हैं ऑन हो रही नहीं। चलो फ्रेंड्स, हम थोड़ा प्रेस करते हैं स्विच को, जो स्विच लगाया न्यू, तो हम बैटरी कंट्रोल सर्किट लगा देते हैं, उसके बाद आपको स्विच थोड़ा इसको प्रेस कर देते हैं ऑन हो रही नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल जो है ऑन हो गया, आप देख सकते हैं जो मेरा मोबाइल ऑन हो गया, और हम इसको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं एक बार, मेरा ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा तो मेरा वर्क 100% वर्क कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा सोल्यूशन हो गया, पर एक और प्रॉब्लम है, इसको हम सेट कहाँ पे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट देखिए इसको सेट हम कहाँ करेंगे, इसको फिंगरप्रिंट जैसे बनाएंगे। तो कस्टमर का इसको फिंगरप्रिंट बनाने के लिए, देखिए मैंने इसको फिंगरप्रिंट बना दिए, आप देख सकते हैं जो मेरा स्विच है इसको हम यहाँ पर बंद कर हम इसको पीछे लगा दिए, थोड़ा सा हमको कवर कटना पड़ा, वहाँ से निकालना पड़ा, तो मेरा कस्टमर राजी था इसलिए हम इसको लगा दिया। ऐसा आप ना कीजिएगा, कभी ऐसा कीजिएगा तब कस्टमर से पूछ लीजिएगा, तभी भी ऐसा काम कीजिएगा। हमारे कस्टमर आज तक बोल रहे हैं पीछे लगा लो, क्योंकि आगे बहुत मिस्टेक हो रही है, बार बार खराब हो रहा है। फ्रेंड्स, हमने इसको आगे पीछे लगा दिया, अब देख सकते हैं फिंगरप्रिंट जैसा काम करेगा, देखिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट ऐसा लग रहा है फिंगर है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सेटअप करेंगे, तो फिर इसको हमने सेटअप बने से कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वो उखड़ा गया नहीं और नहीं खराब होगा कभी, और ये लाइफ टाइम बढ़िया चलेगा, तो मेरा काम भी करा है। फ्रेंड्स, आप वीडियो अच्छा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैं चाहता नहीं है तो चैनल जो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो फिर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।